दिवाली के करीब दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण की मात्रा है लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। PM 2.5 PM 10 की बात करें तो दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ख़ास तौर से तमाम इलाकों के दिल्ली के PM 2.5 10 का जो लेवल है काफ़ी बड़ा हुआ है। हम आपको फ़ोन के ज़रिए समझाते हैं जो CPCB की वेबसाइट है उसमें किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो बने हुए हैं। ये देखिए, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दिल्ली NCR का AQI का एक वेबसाइट है जो बनाई हुई है, EPC इसको बोलते हैं। दिल्ली NCR में जो प्रोमिनेंट पॉल्यूटेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर दिखा रहा है, 307 है और ये कैलकुलेटेड है अभी ओवरऑल। वहीं अगर PM 10 के एवरेज की बात करें दिल्ली में तो 222 है, जबकि PM 2.5 जो एवरेज है वो 294 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरीके से अगर हम अलग अलग स्टेशन के दिल्ली के देखते हैं तो जो बनता है वो किस तरीके से आ रहा है, ये देखिए, ये तमाम जो स्टेशन हैं इसमें दिखाए हुए हैं किस तरीके से अलग अलग स्टेशनों पे डाटा ये दिखा रहा है। हम अगर शादीपुर डिपो की बात करें जो CPCB का डाटा बता रहा है किस तरीके से, ये देखिए, PM 2.5 सीवियर कंडीशन में है जो बहुत ज़्यादा है, 720 है, जो सामान्य से यूँ कहे करीब 15 गुना ज़्यादा बता सकते हैं इसको हम, कि 15 गुना ज़्यादा जो शादीपुर में PM 2.5 का लेवल है वो सुबह सुबह 5 बजे किस तरीके से है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसी तरीके से अगर अलग किसी दूसरे स्टेशन की हम बात करते हैं, पंजाबी बाग की अगर बात करते हैं, पंजाबी बाग में किस तरीके से डाटा दिखा रहा है वो, ये देखिए, इसमें इनसफिशिएंट डाटा फॉर कंप्यूटिंग, मतलब कि यहाँ पे जो है वो डाटा दिखा ही नहीं रहा है पंजाबी बाग का। इसी तरीके से अगर हम DTU न्यू दिल्ली की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से डाटा बना हुआ है, देखिए, PM 2.5 वेरी पुअर क्वालिटी में है, 384 है, यहाँ कर भी इसका AQI जो बता रहा है ये भी अपने सामान्य से करीब 10 गुना ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इसको। लगातार राजधानी दिल्ली में जो पॉल्यूशन की मात्रा है बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से जो आनंद विहार है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अक्सर देखने में आता है, या बुराड़ी की कहें, बुराड़ी में क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क इतना चल रहा था पहले, अगर आज की बात करें तो आज हालांकि अब कुछ कम ज़रूर हुआ है वहाँ पर, लेकिन फिर भी सामान्य से करीब 7 गुना ज़्यादा है, पुअर क्वालिटी में है, क्योंकि जो सामान्य लेवल होता है वो 0 से 50 माना जाता है और यहाँ पर करीब 269 दिखा रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर किस तरीके से बनी हुई है। ये देखिए, आनंद विहार जो हमेशा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है, वहाँ पर भी जो DPCC है, ख़ास तौर से आपको बताना चाहूँगा, आपको दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जो उसका जो डाटा है दिखा ही नहीं रहा है जो अलग अलग इलाकों में आता है, जबकि CPCB का जो डाटा है वो शो कर रहा है कि किस तरीके से बना हुआ है। ये IMD का डाटा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो दिखा रहा है आया नगर में किस तरीके से PM 2.5 का लेवल है, 300 बना हुआ है, जो बहुत पूरे है। तो इसी तरीके से राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जो PM 2.5 का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम दावे करे जा रहे थे कि पटाखे नहीं चलाएंगे तो शायद कुछ पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन पॉल्यूशन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कम नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। दिल्ली के शादीपुर में तो जो सीवियर कंडीशन में है, करीब 720 है, जो अपने सामान्य लेवल से कई गुना ज़्यादा है और बहुत ख़तरनाक है, यानी कि लोगों का वहाँ पर सांस लेना दुभर हो रखा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो आबोहवा है बेहद प्रदूषित हो रखी है। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़ दिल्ली।